हेलो दोस्तों नमस्कार, केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पैडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक्सरसाइज लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है कि प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे सीखते हैं वो आकलन में किस प्रकार का ध्यान नहीं होना चाहिए या किस प्रकार आकलन नहीं होना चाहिए, चीज पूछी गई है। प्राथमिक लेवल के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास, सेकेंड है गणितीय अवधारणाओं का समझना, थर्ड है गणितीय भाषा का विकास, फोर्थ है गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता। अगर हम बात करें प्राथमिक लेवल पर तो गणितीय भाषा का विकास करना चाहिए, अवधारणा में समझ करना चाहिए और समस्याओं का सटीकता, क्योंकि हमें गणित में सही आंसर देना ही बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो वो नहीं होगा, वो हमारा तर्क की, क्योंकि तो बच्चे यहाँ पे तर्क चिंतन नहीं कर सकते प्राथमिक लेवल की अगर बात करते तो हमारा नहीं होगा, वो हमारा हो जाएगा आंसर इज द करेक्ट फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। प्राथमिक या प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुप्रयोग या अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक लेवल या प्रारंभिक कक्षा की बात की जा रही इस क्वेश्चन में भी, तो वो अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए अवधारणा का। तो जैसे कि हम अनुक्रम की बात करें तो पहले बच्चों को क्या है, जैसे कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट वो है कथन है चित्र बनाना, सेकेंड है प्रत्यात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, थर्ड है अनुभव प्रदान करना, फोर्थ है भाषा के माध्यम से समझाना। तो हम प्राथमिक लेवल की बात करें तो बच्चों को क्या है, पहले हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे क्योंकि मातृ टंग के अकॉर्डिंग, मदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिर बच्चों को क्या कराएंगे उन्हें अनुभव देंगे अनुभव के अकॉर्डिंग, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर प्रत्यात्मक प्रतिनिधि के उपयोग करेंगे इस प्रकार से समझाएंगे, फिर चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। हमारा इस जो सीक्वेंस बैठता है वो हो जाएगा और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं, तो बच्चे ने क्या दो संख्याएं घटाई हैं, एक तो हमारा 83 है और दूसरा हमारा 27 है, तो उसका जो योग दिया है बच्चे ने वो 64 योग दिया है, तो उसमें किस प्रकार से दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाप सीखने का बोध करता है। तो घटाप सीखने के बोध के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे देखते हैं ऑप्शन देखते हैं इसके, फर्स्ट है यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, सेकंड है बच्चों को गठाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं, थर्ड है बच्चा नहीं जानता कि कैसे गठाना है, फोर्थ है बच्चे दो अंकों वाली संख्याओं की गठाव की प्रक्रिया जानता है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि बच्चा नहीं जानता तो गठाव तो कर रहा है बच्चा, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो तीनों में से ही कोई एक होगा। तो बात करते हैं बार बार अभ्यास करने की, तो क्या बच्चा अभ्यास नहीं कराना बार बार को, हमें क्या है बच्चों को बताना किस तरीके से घटाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चा दो अंकों वाली संख्या को घटाने की प्रक्रिया जानता है, वो उसने सही घटाई है या गलत क्वेश्चन किया है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जानता है वो घटाना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें साथ साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन के चक्र हैं, उन्हें निम्नलिखित क्रमों में क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अधिगम के आकलन और चक्र के बारे में बात की जा रही है, तो जैसे फर्स्ट है इसमें कि शिक्षण अधिगम के आकलन के साथ एकीकृत आकलन, सेकेंड है अधिगम या शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, थर्ड है प्रगति रिपोर्ट का विकास, फोर्थ है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। जिस प्रकार से जो दिया गया है अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर जैसा करेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है बच्चों के अधिगम, अगर बच्चों के अधिगम के बारे में बात करें, बच्चों के अधिगम और प्रगति की पृष्ठपुष्टि की उसका रिपोर्टिंग तैयार करना, ठीक है थोड़ा सा कलर अलग हो रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि बच्चे का अधिगम और शिक्षण के एकीकृत का आकलन करना, फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे
अधिगम आकलन और उसकी योजना बनाना, फिर उसके हम बाद में रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि रोमन का अंकों का उपयोग क्या है, आमतौर पर जो हिंदू अरबी अंकों का उपयोग करते हैं उस वजह से क्यों नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। सेकंड है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। थर्ड है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। फोर्थ है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो यहाँ पर रोमन अंकों के बारे में दिया गया है तो नहीं किया था, उसका कारण है सबसे बड़ा कि यहाँ पर इज द करेक्ट नंबर सेकंड, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं और इसलिए इनका गणना करना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि गणना करने में कठिनता ही होगी तो हम क्या है रोमन अंकों का उपयोग नहीं करते आमतौर पर गणितीय लेखन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा एडजस्ट करेंगे, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई टीचर है पढ़ा रहा है तो बच्चों को परिवेश से जोड़ने के लिए भौतिक वस्तुओं को अपने शब्दों में समझाने की या प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा गया है, फर्स्ट है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। सेकंड है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। थर्ड है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डब्स सरड्स जैसे खेलने का आनंद लेते हैं। फोर्थ यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में इनकी समझ को गहनता बनाता है। तो हमारा सबसे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा जो टीचर जो बता रहा है वो क्या बताना चाह रहा है, बच्चों को ये बताना चाह रहा है कि जो अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ, सॉरी मूर्त से अमूर्त की तरफ, तो क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है भौतिक प्रवेश दिया जा रहा है निरीक्षण करने के अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट था आंसर हो जाएगा। थोड़ा कलर में कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे यार यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, फर्स्ट ऑप्शन है कि संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। सेकंड है गणित कक्षीय कक्षा में उपयोगी नहीं है। थर्ड है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी या बहुत उपयोगी है। फोर्थ है में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो यहाँ पर अच्छे दुकानदार जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं नहीं पढ़े लिखे होते वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इससे क्या है उपयोगी गणित वाले जानने वाली संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के तौर पर चर्चा की जानी चाहिए कि किस प्रकार से क्या है अशिक्षित दुकानदार गणित की समस्या को सॉल्व कर लेता है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कलर में दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। शिक्षक को क्या गया गणित समस्या समूह को किस प्रकार से संभालना चाहिए। तो फर्स्ट है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। सेकंड है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक सा सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। थर्ड है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक सा सामूहिक रखकर। फोर्थ अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन बोला है एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को किस प्रकार से संभालना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक सामूहित कक्षा में रखकर एक दूसरे सीखने सकें इस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि
फर्स्ट में वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, सेकंड है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, थर्ड है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, फोर्थ है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षवाद दक्षता और कौशलों को प्रभाषित किया जाए। तो गणित सीखने के प्रतिफल के बारे में बात की जा रही है, विकास के लिए तो किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें बच्चों को द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षवार दक्षता कौशल प्रभाषित किए जाने चाहिए, जिसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर साथ साथ में। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, कक्षा में से जो कार्य हो रहा है वो कौन सा गतिविधि है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है बच्चों का अन्वेषण में लाना या लगना, सेकंड है शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, थर्ड है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, फोर्थ है श्यामपट या बच्चों द्वारा श्यामपट से नकल करना। तो यहाँ पे कक्षा में हो रहा है कार्य एक गतिविधि है, कौन सा गतिविधि कार्य के बारे में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं गतिविधि का मामला होता है, जैसे की बात करें तो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन करना, तो हमारा यही हमारा गतिविधि हो जाएगा थर्ड वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, जो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया तो हमें आंसर भी नेगेटिव में देना है। फर्स्ट है समूह बनाना, सेकंड है एक एक संघ तथा, थर्ड है क्रमबद्धता, फोर्थ है संख्या नाम यद्रचित रूप से पढ़ना। तो यहाँ पर हम नहीं है के बारे में बात करेंगे तो नहीं आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, कि एक एक संघ तथा की बात करना, तो इधर नहीं वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। बच्चे या एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया, क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो बच्चे ने लंबाई चौड़ाई आंसर दे दिया है, तो आप बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अवधारणा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट है बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, सेकंड है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, थर्ड है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, फोर्थ है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की, क्षेत्रफल के बारे में बात की, तो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे इधर जो बच्चा बोल रहा है वो बंद आकार का क्षेत्रफल के सामान्य तो उसने विचार कर लिया है, उसके बारे में उसने पढ़ लिया है, तो उसका वो उपयोग कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। बच्चे ने सामान्य किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के बारे में देख लिया है और उसका उपयोग कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गणित सीखने के बारे में बात हो रही है तो कौन सा कथन सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, सेकंड है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, थर्ड है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, फोर्थ है हर कोई गणित सीख सकता है। देखो यहाँ पे एक कीवर्ड आया हुआ केवल, हमने बात की थी कीवर्डों के बारे में कि इस प्रकार के कीवर्ड आते हैं तो क्या हमारे आंसर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे केवल आया हुआ है तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ इसमें, तो इसे हटा देते हैं। दूसरा देखते हैं गणित ही कठिन है, ऐसा नहीं है, गणित कठिन नहीं है, हर कोई सीख सकता है गणित को। तो अगर बात करें लड़कियां आमतौर लड़कों से कमजोर, ऐसा भी नहीं है, ये लिंग पूर्वता की तरफ जा रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पे जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि गणित को हर कोई सीख सकता है, बस शिक्षण विद्या अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चतुर्भुजों को खींचा गया था और बच्चे को चतुर्भुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है, उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। तो टीचर ने क्या है, एक पाइथागोरस सिखाने के लिए एक प्रकार से जैसे चार चतुर्भुज वाले सीट ली और उस पर खींचा गया, चतुर्भुज भुजाएं वगैरह बनाई गई, तो उसके संबंध में खोजने के लिए कहा गया, तो उपरोक्त स्थिति में से कौन सा शिक्षक ने प्रयोग किया है, ये चीज़ पूछी गई क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि, सेकेंड है आगमन विधि, फोर्थ है निगमन विधि, सॉरी थर्ड है निगमन विधि, फोर्थ है व्याख्यान विधि।
तो जैसे कि हम आगमन बात की तो बात करते हैं, जैसे कि रूल्स की बात करते हैं और यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं, तो इस प्रकार की अप्रयोग में प्रयोगशाला की बात करते हैं और व्याख्यान में एक्सप्लेन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, क्योंकि आगमन विधि की बात की जा रही है यहाँ पे। क्यों आगमन विधि की बात की, पहले की बच्चे को समझाया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए बच्चे ने क्या किया, उसने एक सीट पृथक की टीचर ने, फिर वहाँ पे समकोण लिए गए उदाहरण के तौर पर और बच्चे को त्रिभुजों के बारे में संबंध खोजने के लिए बारे में कहा गया। तो पहले ही बच्चों को क्या है एक एग्जाम्पल दिया गया है, तब ये उदाहरण दिया गया, तब ये बात की गई है। तो यहाँ पे स्थिति का जो उपयोग किया जा रहा है वो आगमन विधि का प्रयोग किया जा रहा है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। जो क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव पूछा है, सीटेट में ऐसा बहुत होता है, तो क्वेश्चन हमें सही से पढ़ना होगा पहले, फिर उसका आंसर दें। तो ऑप्शन देखते हैं, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं, संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। फोर्थ, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नेगेटिव में, तो मानचित्र संकल्पना के बारे में नेगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है संकल्पना मानचित्र शिक्षक के पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए बात कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे बोला है संबंधित अंतःक्रिया अवधारणा की बात किया, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में हमें नेगेटिव आंसर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें पदानुक्रमित की बारी बात किया है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन का वोट आंसर दे रहा है नेगेटिव में। तो हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, वो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि संकल्पना मानचित्र केवल, यहाँ पे केवल की बात आ रही है, चित्रों द्वारा या शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, तो केवल यहाँ पे एक तो नेगेटिव भी दर्शा रहा है, तो इसलिए भी हमारा नेगेटिव आंसर है, और दूसरा यहाँ पे शिक्षकों की बात किया जा रही है ओनली, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेशन यहीं पे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।